नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो मैं वीडियो देखने वाला हूं आप लोगों के साथ, और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं, वो वीडियो बड़ा जबरदस्त है। और ये इंस्पायरिंग साइंस नाम का चैनल है, उनका ये वीडियो है कि फोर्ड कंपनी छोड़ बन गया हिंदू। मल्टी बिलियनियर बिजनेसमैन अल्फ्रेड फोर्ड्स, जो उन्होंने अल्फ्रेड फोर्ड हैं, उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा वीडियो लग रहा है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, और इसके बाद अलावा भी और क्या क्या हुआ, ये सब इस वीडियो में बताया गया। तो चलिए देखते हैं। हरे कृष्णा, नमाम विष्णु पदाय कृष्णाय भूतले श्रीमती भक्ति विनाथ स्वामिनी तमने नमस्ते सरस्वती उपकरवन विचारे दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री यानी कि अमेरिका की एक रिचेस्ट पर्सनैलिटीज में से एक हो। आपके पास बेशुमार दौलत है, आपकी अमेरिका और पूरी दुनिया में वर्ल्ड फेमस कंपनी चलती है, जिनमें बनने वाले प्रोडक्ट्स की दुनिया दीवानी है। आपने अपनी जिंदगी में वो सब कुछ पा लिया है जिसको प्राप्त करने की हर एक इंसान इच्छा रखता है। और सबसे जरूरी चीज कि आप एक ऐसे जीनियस के पड़पोते हो जो अमेरिका की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लेके आया था। पर क्या आप इस रही इस जिंदगी, अमेरिकन कल्चर और एक बिजनेस माइंड सेट होने के बावजूद भी अपना सब कुछ छोड़कर भगवान श्री कृष्णा की भक्ति में लीन हो सकते हो और सनातन की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति पर दिल और दिमाग से विश्वास कर सकते हो? यहाँ पर शायद ही ज्यादातर लोग ऐसी रही इस जिंदगी का त्याग कर पाए। पर आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे वर्ल्ड फेमस अमेरिकन बिजनेसमैन से मिलवाने वाला हूँ जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और ऐसी ही यूनिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको मेरी वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, मिलिए एक फेमस अमेरिकन बिजनेसमैन अल्फ्रेड फोर्ड से, जो अपने आप को भगवान श्री कृष्णा का नौकर बताता है। इसीलिए इन्होंने अपना हिंदू नाम अम्बरीश दास रख लिया है, यानी कि भगवान कृष्णा का दास। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अल्फ्रेड फोर्ड पड़पोते हैं एक वर्ल्ड फेमस बिजनेसमैन और जीनियस हेनरी फोर्ड के, जिन्होंने फोर्ड मोटर कंपनी की स्थापना की थी। अल्फ्रेड फोर्ड यानी अम्बरीश दास ने कृष्णा भक्ति के लिए अपनी लग्जरियस लाइफस्टाइल का पूरी तरह से त्याग कर दिया है, जिसके कारण बीच में रोक रहा हूँ, माफी चाहूंगा लेकिन बताना जरूरी था कि हेनरी फोर्ड सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे। हेनरी फोर्ड को अमेरिका में बड़ी इज्जत के साथ देखा जाता है। हेनरी फोर्ड को वहां के संस्थापकों में से, अमेरिका के संस्थापकों में से एक माना जाता है। हेनरी फोर्ड कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थे, और हेनरी फोर्ड का खानदान अमेरिका के और अमेरिकन्स के लिए कोई छोटा मोटा परिवार नहीं है। वो जानते हैं कि हेनरी फोर्ड और फोर्ड फैमिली ने अमेरिका के लिए कितना कुछ किया है, अमेरिका को बनाने में, संवारने में, अमेरिका को इतनी मजबूत स्थिति तक पहुंचाने में हेनरी फोर्ड और फोर्ड परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मतलब जिसके गुण आज भी अमेरिकन्स गाते हैं। अब ये महंगे कपड़ों को छोड़कर हिंदू ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहनते हैं, और इन्होंने अपने करोड़ों डॉलर हरे कृष्णा मूवमेंट के मंदिर बनाने के लिए डोनेट कर दिए हैं। पर दोस्तों, यहाँ पर अब समझने वाली बात ये है कि ऐसी कौन सी बड़ी वजह रही जिसके कारण एक वर्ल्ड फेमस अमेरिकन बिजनेसमैन को हिंदू धर्म अपनाकर अम्बरीश दास बनना पड़ा और भगवान श्री कृष्णा को पूरे ब्रह्मांड का पालनहार मानकर इनकी भक्ति में लीन होना पड़ा। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है सन 1974 में, जब अल्फ्रेड फोर्ड केवल 23 साल के थे। तब ये पहली बार अमेरिका के डैलस में भक्ति वेदन स्वामी प्रभुपाद जी से मिले थे, और प्रभुपाद जी ने
इनको श्रीमद् भगवत गीता के बारे में बताया, जिसके बाद गीता में भगवान श्री कृष्णा के द्वारा बताए गए जीवन जीने के अनमोल ज्ञान से ये काफी ज्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि अल्फ्रेड फोर्ड ये डीपली बिलीव करते हैं कि इनके परदादा हेनरी फोर्ड ऐसे बिगर क्वेश्चंस के आंसर्स की तलाश में थे जिनको वो कभी नहीं खोज पाए, जैसे कि हम कौन है, हमारा जन्म किस लिए हुआ है, इंसान का धरती पर जीने का असल मकसद क्या है, ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, ब्रह्मांड के दूसरी तरफ क्या है और भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है। इन्हीं सब क्वेश्चंस की तलाश में अल्फ्रेड फोर्ड भी थे, जो अपनी यंग एज से ही अपनी बिजनेस लाइफ के साथ साथ भगवानों पर भी पूरा विश्वास करते थे। और सन 1975 में इन्होंने भगवत गीता से प्रेरित होकर इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस ज्वाइन कर ली, जहाँ पर इन्होंने सनातन के प्राचीन इतिहास को जाना, इसमें बताए गए पवित्र ग्रंथों का अध्ययन किया, जिसके कारण इन्होंने हिंदू धर्म को दिल से अपना कर अपना नाम अल्फ्रेड फोर्ड से अमरीश दास रख लिया, जिसको आप इनके विकिपीडिया पर भी चेक कर सकते हो। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जैसे जैसे ये भगवान श्री कृष्णा की भक्ति में लीन होते गए, वैसे वैसे इनका मन संसार की मोह माया से दूर होता गया और ये अपनी दौलत दुनिया भर में भगवान श्री कृष्णा के मंदिर बनवाने में डोनेट करते रहे और अभी तक कर भी रहे हैं। और ये अभी प्रेजेंट में फोर्ड मोटर कंपनी के बोर्ड मेंबर हैं। फोर्ड कंपनी के अलावा भी इनके अमेरिका में दूसरे कई बिजनेसेस चलते हैं, जहाँ से होने वाली ज्यादातर कमाई को ये भगवान कृष्णा की भक्ति में दान कर देते हैं। और दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको कवाई आइलैंड पर मौजूद भगवान शिव के मंदिर के बारे में बताया था, जहाँ पर दुनिया की रेयरेस्ट शिवलिंग मौजूद है। इस आइलैंड पर मौजूद पहला हिंदू मंदिर को बनाने के लिए अल्फ्रेड फोर्ड ने $500,000 डोनेट किए थे, जो इंडियन रुपीज में होते हैं लगभग 4 करोड़ रुपए के बराबर। पर दोस्तों, केवल यही नहीं, ऐसे ही वेस्ट बंगाल के मायापुर में मौजूद पुष्पा समाधि मंदिर और मायापुर टेंपल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम को बनाने के लिए भी इन्होंने करोड़ों रुपए डोनेट किए हैं, इसीलिए इनको इस्कॉन और टेंपल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम का चेयरमैन भी बनाया गया है। पर दोस्तों, इनकी डोनेशन की कहानी यहीं तक खत्म नहीं होती। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने रशिया की कैपिटल मॉस्को में वैदिक कल्चरल सेंटर बनाने के लिए $10 मिलियन डोनेट किए और हवाई की लार्जेस्ट सिटी में हरे कृष्णा टेम्पल एंड लर्निंग सेंटर बनवाने के लिए $6 लाख डोनेट किए हैं। और अमेरिका में इनकी पुश्तैनी जमीन भी इन्होंने कृष्णा टेम्पल के लिए खुशी खुशी दान कर दी है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि अल्फ्रेड फोर्ड यानी अमरीश दास किस हद तक हिंदू धर्म पर विश्वास करते हैं। तो दोस्तों, ये थी अनटोल्ड रियल स्टोरी अल्फ्रेड फोर्ड यानी अमरीश दास की, जिन्होंने जीवन में कृष्णा भक्ति के माध्यम से शांति पाने के लिए अपना सब कुछ दान कर दिया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी ही यूनिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों, वीडियो हो गया है खत्म और लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं, बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं ये। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोग इसीलिए हजारों साल से यहां पर हैं। सनातन धर्म कोई ऐसा धर्म नहीं है जो आपको जंजीरों में जकड़ लेता हो। हमने वक्त के साथ अपने आप को बदला है, हमने अपनी सांस्कृतिक जड़ों को बरकरार रखा है, हमने ये एक जीने का जरिया है कि आप अपनी जो लाइफ है वो कैसे जी सकते हैं। इसमें किसी के ऊपर प्रेशर नहीं है कि तुम्हें यही करना पड़ेगा, वैसा ही करना पड़ेगा, नहीं। सबके अपने अपने फिलोसफी है, अपने हिसाब से चीजें करते हैं। कोई शैव है, कोई वैष्णव है, कोई ये है, कोई वो है, सब फ्री है। आप पर कोई दबाव नहीं है कि नहीं जी ये जो कह दिया गया यही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी चीजें हमारे धर्म में, और ये इतना बड़ा धर्म है, इतना इसकी ब्रांचेज हैं, इसमें इतनी चीजें हैं कि उसे समझने में, और जो जिसने समझ लिया वो समझे कि वो उसने जीवन का रहस्य पा लिया। गीता के बारे में, गीता पढ़ी इन्होंने, गीता जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल भगवान कृष्ण ने जो महाभारत के मैदान में अर्जुन को जो सारी चीजें बताई, वो एक्चुअल में हमारी लाइफ में हर किसी के साथ होता है। जहां आपको अपनों के साथ द्वंद करना पड़ता है, आपको अच्छाई और बुराई में से एक साइड चुननी पड़ती है कि भाई आपको अच्छे पे जाना चाहिए, बुराई को आप छोड़िए, बुराई के खिलाफ लड़िए, बुराई के खिलाफ आवाज उठाइए, ये चीजें उसमें बताई गई हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि अगर आपका अपना ही कोई बुराई कर रहा हो, उसके खिलाफ भी आप जा सकते हैं, उसके खिलाफ भी आप लड़ सकते हैं। दूसरों की मदद करना, इस यूनिवर्स को समझना, सबसे बड़ी बात है कि ब्रह्मांड की बात उसमें की गई है।
उसमें जब भगवान कृष्ण अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं तो वो ये बताते हैं कि पूरा ब्रह्मांड मुझ में समाया हुआ है, सारी सृष्टि मुझ में समाई हुई है, मैं ही हर जगह हूं, मैं ही हूं ये। तो आप इस चीज को समझिए, ये कई सारे जो साइंटिफिक थ्योरीज हैं उनको सपोर्ट करता है, जैसे पैरेलल यूनिवर्स, मल्टीवर्स, ये सारी चीजें गीता में जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी बात कितनी आसानी से कह दी गई है, मल्टीवर्स की बात कितनी आसानी से उसमें समझा दी गई है, पैरेलल यूनिवर्स की बात कितनी आसानी से उसमें समझा दी गई है। और आज ये हमारा जो साइंस है वो आज इन सब बातों पे पढ़ रहा है। टेलीपोर्टेशन, वो उसके बारे में भी है, पूरा महाभारत आप पढ़ेंगे जब तो आपको पता चलेगा कि टेलीपोर्टेशन आज से नहीं तब से है जब वो किताब लिखी गई थी हजारों साल पहले, और आज साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं, उस पर साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। यान, हवाई जहाज, अभी शायद हवाई जहाज का इन्वेंशन कब हुआ था, 1905 के करीब, 1904-1905 में हुआ था, राइट ब्रदर्स ने किया था। लेकिन उसके पहले जिक्र हमारे रामायण में, हमारे महाभारत में है, उड़ने वाले रथों, जहाजों का जिक्र। तो आप सोचिए कि अगर किसी ने जहाज उस वक्त नहीं देखे थे या ऐसी चीज नहीं देखी थी तो कैसे लिख देते कि भाई उड़ने वाले जहाज थे। आप कोई ऐसी चीज बता सकते हैं जिसको आपने कभी देखा ही नहीं हो, जिसने आपने कभी देखा नहीं हो उसके बारे में आप डिस्क्राइब कर सकते हो? नहीं कर सकते। जब उन्होंने देखा होगा कि यार आसमान में वाकई पुष्पक विमान उड़ता था, तो उन्होंने लिखा कि जी विमान उड़ते थे, पुष्पक विमान नाम है, हम हिंदी में जहाज को विमान कहते हैं। तो आप इस बात को समझिए कि बहुत सारी ऐसी चीजें दुनिया भर के साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि दुनिया में परमाणु बम जब डॉक्टर रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने बनाया तो उन्होंने जिक्र किया कि उसे इसकी प्रेरणा कहां से मिली। प्रेरणा मिली महाभारत से। महाभारत में एक अस्त्र है ब्रह्मास्त्र, जिस पर एक शायद फिल्म भी आई है, पता नहीं कैसी है, मैंने देखा नहीं। तो उस ब्रह्मास्त्र का जिक्र डॉक्टर रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया जब उन्होंने प्रैक्टिस, जब उन्होंने परमाणु बम को फोड़ा। I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that one way or another. तो आप समझिए कि बहुत कुछ है हमारे सनातन धर्म में जानने के लिए, समझने के लिए, और साइंटिफिक है, कोई इलॉजिकल बात नहीं की गई है। नौ ग्रहों का जिक्र आज नहीं हजारों साल से हुआ है। आपको पता नहीं कि हमारे सोलर सिस्टम में नौ ग्रह हैं, अब तो एक डॉट मिनट हो गया है, आठ ही मानते हैं हम, लेकिन नौ ग्रह पहले मानते थे ना, नौ ग्रह का जिक्र है। तो बहुत सारी चीजें हैं, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो लोग इसको समझते हैं कि हिंदू धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है, क्यों है, हम कोई काम ऐसे क्यों करते हैं, तो उसकी वजह है, साइंटिफिक वजह है, और इस वजह से लोग जो हैं वो आकर्षित होते हैं। मैं आपको एक और बात बताता हूं कि सिर्फ अल्फ्रेड फोर्ड ही नहीं है, आपको याद होगा कि जूलिया रॉबर्ट्स, हॉलीवुड की बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, वो भी हिंदू धर्म से बहुत प्रभावित हुई और कई मौकों पर वो खुद को हिंदू बता चुकी हैं। इसके अलावा जॉन कोल्ट्रान है, ये एक अमेरिकन म्यूजिशियन है, उनका जन्म एक ईसाई परिवार में हुआ था, लेकिन धीरे धीरे वो हिंदू धर्म के बारे में जब उनको पता लगा, जानने लगे, समझने लगे, तो उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि ट्रेवर हॉल हैं, एक वो भी अमेरिकन है, सिंगर हैं, गिटारिस्ट हैं, तो उनका संगीत, उनका जो म्यूजिक है वो हिंदू धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। उनके उनके गानों में वो संस्कृत के श्लोक बोलते हैं बहुत ज़्यादा हैं, और वो हिंदू धर्म स्वीकार कर चुके हैं, साधु का जीवन बिताते हैं। मैं आपको एक और बहुत बड़ा नाम बताने वाला हूँ, उनका नाम है जॉर्ज हैरिसन। जॉर्ज हैरिसन आपको तो पता ही होगा कि भाई कितने बड़े वो थे, बीटल्स जो बैंड था उसके वो गिटारिस्ट थे, तो जॉर्ज हैरिसन का नाम बहुत बड़ा था। तो वो भी उन्होंने ईसाई धर्म छोड़ा और हिंदू धर्म अपना लिया था, और उन्होंने हिंदू धर्म का प्रचार भी किया, और जब उनका निधन हुआ तो उनकी जो उन्होंने कह के गए थे वो कि जो हम मेरी अस्थियां हैं वो गंगा और यमुना में प्रवाहित की जाएं, जिस तरह से हिंदू हम लोग करते हैं। इसके अलावा एक और बहुत बड़े हैं, कॉमेडियन हैं, रसेल ब्रांड, अगर आप लोग सर्च करेंगे तो। रसेल ब्रांड टीवी प्रोड्यूसर हैं, स्क्रीन राइटर हैं, बहुत कुछ हैं, बहुत बड़ा नाम है, उनकी फिल्म भी है फॉरगेटिंग सारा मार्शल, बहुत बड़ी थी।
वो भी हिंदू धर्म को अपना चुके हैं, वो भी बड़े प्रभावित हैं उससे। और जब उन्होंने शादी की कटी पेरी से, तो बकायदा हिंदू रीति रिवाज से राजस्थान आए और वहां पर शादी की। तो ऐसे सैकड़ों हजारों नाम हैं, मतलब मैं आपको गिनाता हुआ थक जाऊंगा और नाम खत्म नहीं होंगे। तो ये हमारे धर्म की खूबसूरती है, जो प्यार सिखाती है, जो साइंस से जोड़ती है, जो लॉजिकल बातें कहती है। तो जल्दी हाजिर होता हूं ऐसे ही और भी शानदार वीडियोस के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो वीडियो खत्म। बेसिकली ये हिंदू मजहब के बारे में बताई गई है कि हिंदू मजहब जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, बड़े बड़े जो लेजेंड्स हैं, उन्होंने कबूल किया है हिंदू मजहब को, उनसे बहुत मोहब्बत हुई, वो कबूल कर लिया। तो और जिसमें फोर्ड्स थे, उसके बाद रॉबर्ट हैरिसन का भी बड़े बड़े नाम आए। असल में बात यह है कि इंसान को ऐसे राइट्स हों कि वो बिल्कुल फ्री हो, तो उसको जो जो मर्जी मजहब अच्छा लगे, जो मजहब अख्तियार करना, इंसान अच्छे हों, जैसा उसका माशरा अच्छा हो, उसको सलूक अच्छा हो, उसकी जो इखलाक, मैं ये बात करता हूँ जिस इंसान का इखलाक अच्छा है ना, वो अपनी तरफ उसको खींचता है भाई, वो मजहब उसको अपनी तरफ खींचता है। और उनका मजहब अच्छा होगा, उसको कोई अच्छी चीज़ उधर नज़र आई होगी, तो इसलिए वो उसने वो हिंदू रिलीजन कबूल किया। हर चीज़ वो अमेरिका की छोड़कर, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक होकर वो उन्होंने मजहब उसको अच्छा लगा है तो उसने अपनाया। बिल्कुल, हम भी ये कहते हैं ये फ्री हैंड होना चाहिए, हर मजहब जो है उसको ऐसे नहीं जबरदस्ती से नहीं किया जा सकता, वो ऐसा अगर कोई करवाता भी है तो वो मतलब बंदा उस धर्म में रह ही नहीं सकता भाई। वो गलत है, जो दिल से अपनाएगा ना वो। इसमें हम जो टर्म यूज करते हैं जिसको हम करते हैं मुनाफिक, कि अगर कोई मजहब में आता है इस्लाम में, लेकिन वो बेसिकली इस्लाम में अगर जोर जबरदस्त लाया गया या किसी और मकसद के लिए आया है, तो वो अगर दिलो जान से उस मजहब को कबूल नहीं करता, तो हम अपने लिए उस टर्म यूज करते हैं मुनाफिक, दोगला जिसे कहते हैं। नहीं यार भाई, हमारे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उन्होंने यही बनाया था कि किसी के साथ फोर्स नहीं कर देना, जो अपने आप आएगा इखलाक से, अपना इखलाक इतना अच्छा करो कि तुझे अपना पसंद करने लग पड़े और खुद ब खुद आए, दुनिया तेरे गीत गाए। और यही भाई मैं तो कहता हूँ, जो हिंदुइज्म में जो आए हैं उनका इखलाक अच्छा होगा, उसका मजहब। इस तरह लड़की के बारे में बता रहे थे, एक लड़की के बारे में बता रहे थे, उन्होंने उनको भाई हाँ ये धर्म अच्छा लगा है, उनको दिल को अच्छा लगा, तो उन्होंने ये भाई उन्होंने कोई अच्छे एक ईसाई के बारे में बता रहे थे कि उसने भी ये मतलब चीनी उसमें भी आई है। अक्सर जो है वो अमेरिका ईसाई उधर होते हैं ज्यादा, दुनिया में ज्यादा उन्होंने अपनाया है भाई, उनको अच्छा लगा होगा तो फिर ये अपनाया है। बिल्कुल, वही तरह आदमी किसी को होना चाहिए भाई। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नए वीडियो में, नाटक साथ, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।